दोस्तों इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच होगा 3 T20 मैचों का महायुद्ध, जहां बदल जाएगा पहले T20 मुकाबले का समय नहीं होगा। अब BCCI के समय अनुसार बांग्लादेश ने जताई नाराजगी, जिसमें BCCI को नया समय करना पड़ा जारी और नहीं होगा अब भारत के समय अनुसार पहले T20 मुकाबला, जहां वीडियो में आगे बताएंगे कि पहला T20 मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा और वहीं क्या होने वाला है पहले T20 मुकाबले का समय और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में किन किन प्लेयरों को पहले T20 मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा और किन प्लेयरों को बेंच पर बैठना पड़ेगा, तो जिसमें बताएंगे कि क्या होने वाली है भारतीय टीम की संभवतः पूरी प्लेइंग 11। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के खिलाफ शर्मनाक तरीके से वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया अब अपने अगले मिशन में जुट गई है। भारतीय क्रिकेट टीम को इस साल यानी के 2024 में अब कोई वनडे मैच नहीं खेलना और रोहित शर्मा की टीम अगले साल फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी से वनडे में उतरेगी। हालांकि भारतीय टीम को इस साल कई टेस्ट और T20 मैच खेलने हैं। तो भाई बात करें कि इंडिया बनाम बांग्लादेश के पहले T20 मुकाबले की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहले T20 मैच के समय में बदलाव देखने को मिला है। पहले यह मुकाबला तय समय पर शुरू होना था, लेकिन अब यह मैच एक नए समय पर खेला जाएगा। पहले T20 मैच का दिन और स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर के क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन मैच के शुरू होने का समय बदल दिया गया है। अब यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 7 बजे से शुरू होगा, यानी 6:30 पर हमको टॉस देखने को मिलेगा और सूर्यकुमार यादव और बांग्लादेश के कप्तान 6:30 पर टॉस के लिए आएंगे और 7 बजे मैच की पहली बॉल फेंकेगी। भाई मैच के समय में बदलाव का कारण मौसम संबंधित परिस्थितियां, प्रसारण समय या अन्य तकनीकी कारण हो सकते हैं। आयोजकों ने यह फैसला मैच को सही समय पर और बिना किसी रुकावट के आने के उद्देश्य से लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने की उम्मीद है। दोनों टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगी और फैंस को एक शानदार क्रिकेट मैच का अनुभव मिलेगा। और वहीं यह बदलाव सिर्फ पहले T20 मैच के लिए है, अन्य मुकाबलों के समय में फिलहाल कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो तैयार रहें और नए समय पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लें। और वहीं बात करें कि क्या होने वाली है भारतीय टीम की संभवतः प्लेइंग 11, तो वहीं हम पहले नंबर पर वाइस कैप्टन सुमन गिल को देखेंगे और उनके साथ उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल हमको खेलने को दिखाई देंगे और वहीं तीसरा नंबर पर हम कप्तान सूर्यकुमार यादव को खेलता हुआ देखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी फॉर्म में भी चल रहे हैं। और वहीं चौथा नंबर पर हम रियान पराग को एक ऑलराउंडर के रूप में देखेंगे और वहीं पांचवा नंबर पर रिंकू सिंह आएंगे और वहीं छठा नंबर पर हार्दिक पांड्या और सातवां नंबर पर अक्षर पटेल और वहीं वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज और वहीं अर्शदीप सिंह को मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये होने वाली है टीम इंडिया की संभवतः प्लेइंग 11 और आपको इस प्लेइंग 11 में क्या बदलाव देखने को चाहिए वो कमेंट करके मुझको ज़रूर बताएं। और वहीं आपको क्या लगता है, टीम इंडिया बांग्लादेश की टीम पर भारी पड़ेगी या बांग्लादेशी प्लेयर टीम इंडिया को शिकस्त देंगे? कमेंट करके अपनी कीमती राय ज़रूर दें।